Good morning, student. Welcome to e-learning classes provided by St. Michael Academy, India. Myself, Sanjeev Angelo, I am going to teach Hindi, Chapter 3, Dr. Harivansh Rai Bachchan. इसके पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि हालावत क्या है, छायावत क्या है, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ उनकी काव्य कृति जैसे मधुशाला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंने कहा था कि अगले भाग में हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो देखते हैं अगले भाग में उनकी जो जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं, जो उनके साथ परेशानियां थी, और साथ में और भी उनकी कौन सी काव्य कृति थी उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं. तो कह रहा है कि अपने युवा काल के आदर्शों एवं सपनों के भग्नावशेषों के मध्य से गुजरते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े. उन्होंने उस समय जो देशभक्ति पर कविताएं लिखी थी उनकी ओर बहुत कम लोगों ने ही ध्यान दिया. उन्हें इन कविताओं के माध्यम से वीरों और देशभक्तों को अतीत से प्रेरणा लेकर उथल पुथल मचा देने का संदेश दिया. लेकिन जब वो अपने युवा काल में थे तो अपने आदर्शों अपने सपनों के बिखरे भावों के बीच से गुजरते हुए बच्चन ने अपने पढ़ाई को त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े. उन्होंने जो उन कविताएं लिखा करते थे, जो अपने कविताएं जो भी उस समय लिखते थे, वो देशभक्त कविताएं लिखी कि कम से कम उससे देशवासियों को या फिर आंदोलन में उस कविता को लेकर कुछ उनको सहायता प्रदान करे. लेकिन कुछ उनसे कुछ खास नहीं हुआ. तो फिर उन्होंने उन कविताओं के माध्यम से वीरों और देशभक्तों के अति से प्रेरणा लेकर उथल पुथल मचा देने का संदेश दिया. अब आंदोलन से छुट्टी पाकर बच्चन को एक छोटे से विद्यालय में नौकरी करनी पड़ी. उस समय उनकी पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित एवं बच्चन अभावग्रस्त हैं. असाध्य रोग मतलब कि असाधारण रोग, जैसे कि कैंसर हो गया, टीबी हो गया. उस समय वो बहुत बड़ा रोग होता था, इसीलिए उसको हम लोग असाध्य रोग कहते थे. और उस समय बच्चन जी अभावग्रस्त थे, आर्थिक रूप से और भी बहुत सारे चीजों से वो अभावग्रस्त थे. उस समय वह असाध्य रोग के आतंक से ग्रस्त और व्यथित, फलत वो अंतर्मुखी हो. उन्होंने अपने इस मूल और इस युग में जिन कविताओं की रचना की वे उनके निशा निमंत्रण, जो कि 1938 में तथा एकांत संगीत नामक काव्य ग्रंथों की रचना की. ये संभवतः बच्चन जी की सर्वकृष्ट बहुत अच्छी काव्य कृति रही है. उसके उपरांत उनको विश्वविद्यालय इलाहाबाद में नौकरी मिली. तो उनके व्यक्तित्व एवं उन्होंने अपने एक नए काव्य नीव का निर्माण फिर की रचना की प्रेरणा में उस समय उनके अंदर बसे कवि के मन को समझाते हुए लिखा कि जो बसे हैं वे उजड़ते हैं, प्रकृति के जड़ नियम से पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कमला है. यही वो युग था. अब यहाँ पर बच्चन जी का कुछ आर्थिक और कुछ परेशानियां सुनती है. यही वह युग था जब तेजी बच्चन से विवाह के बाद बच्चन ने सुख और संपन्नता के जीवन में प्रवेश किया. सन 1945 में उनकी सतरंगिनी तथा 1950 में मिलन यामिनी नामक काव्य कृतियां प्रकाशित. ये बच्चन के उल्लास हरे युग की सुंदर गीतों उपलब्धियां हैं. इन रचनाओं के सफल साधारणीकरण अत्यंत दुर्लभ. तो यहां पर अब कह रहे हैं कि बच्चन जी का यही वो युग था
जिनमें उनकी काव्य कृति काफी प्रसिद्ध हुई, जैसे कि सतरंगिनी, मिलन यामिनी, ऐसे कृतियां प्रकाशित हुई। और यही बच्चन के उल्लास भरे युग की सुंदर गीतोपलब्धियां हैं। इन रचनाओं में के संदर्भ में समलोचक एवं स्वर से स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिगत वेदना का इतना सहज और सफल साधारणीकरण अत्यंत दुर्लभ है। बच्चन एकांत आत्म केंद्रित कवि है। आत्म केंद्रित, एकांत आत्म केंद्रित मतलब कि किसी भी कविता को लिखने के लिए एकांत आत्मा, आत्मा को केंद्रित कर कवि है। इसी कारण जो रचनाएं सहज स्फुट नहीं है, वे नीरस और बहुत कुछ कवित्व रहित हो गई। बंगाल में अकाल और महात्मा गांधी की हत्या पर लिखी कविता है तथा उत्तर काल में लिखी गई कविता है उनके उदाहरण। बच्चन का शिल्प पक्ष अपेक्षाकृत दुर्बल था। शिल्प पक्ष मतलब कि शुरू का जो पढ़ाई लिखाई, बचपन का शिल्प पक्ष अपेक्षाकृत दुर्बल है। इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए। ये प्रयोग प्राय उर्दू कवियों की तरह तरह के बहरों में तरह तरह की जमीन पर नज्म कहने की चेष्टाओं के समान है। बच्चन जी ने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद तथा भागवत गीता को लक्ष्य करके दोहा चौपाई में जन गीता की रचना। काव्य की दृष्टि से यह 30 कोटि की रचनाएं हैं। इनका निर्माण तो स्वयं पाठकों पर ही निर्भर करता है। अब बच्चन ने कहानी लेखन की ओर, अब कविता छोड़कर बच्चन जी क्या किए, अब कहानी की तरफ रुख कर दिए। तो यहां बता रहा है कि बच्चन ने कहानी लेखन की ओर भी विशेष रुचि ली। बच्चन जी ने अनुभूति से प्रेरणा प्राप्त की थी। व्यक्तिगत अनुभूति को ही काव्यात्मक अनुभूति देना उन्होंने अपना ध्येय बनाया और उनमें पूर्ण सफल भी हुए। हिंदी कवि सम्मेलन में सम्मेलन की परंपरा को सुदृढ़ एवं जनप्रिय बनाने में बच्चन जी का योगदान असाधारण है। इस माध्यम से वे अपने पाठकों और श्रोताओं के विशेष निकट पहुंच सके। बच्चन जी की महत्वपूर्ण जो काव्य कृति है, जो रचनाएं हैं, जैसे कि विकल विश्वपट, हलाहल, प्रणय कृतिका, मिलन यामिनी, नथधर, आरती और उंगारे, इनके साथ साथ और भी बहुत सारी काव्य कृतियां हैं जिनको बहुतों ने सराहा है, बहुतों ने पढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जो है प्रख्यात और बहुत ज़्यादा सुंदर कविता इनकी मनुशाला रही है। तो ये अध्याय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी और उनके काव्य कृति के बारे में बताया गया है। तो आगे हम लोग प्रश्न उत्तर है, अगले भाग में हम लोग प्रश्न उत्तर के लिए चलेंगे।